एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यकीन आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के अंदर चेक करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम डेट फॉर्मेट को राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में डेट को इनपुट करने के 3 कॉमन फॉर्मेट्स हैं, जिनमें एक आता है ISO डेट, लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेट। दूसरा आता है शॉर्ट डेट, और थर्ड वन जो टाइप है हमारे पास वो है लॉन्ग डेट। ISO फॉर्मेट जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो अप किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है जी, जिस तरीके से जिसके अंदर स्टैंडर्ड आपके अपने टाइम के हिसाब से, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो उस कंट्री के हिसाब से आपका टाइम अपडेट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले जो लिखने का मेथड है वो है कांस्टेंट, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ए, और इस वेरिएबल के अंदर मैंने डेट का फॉर्मेट होल्ड कराना है। तो मैंने यहाँ पर मैं न्यू डेट, और यहाँ पर मैंने कोटेड ऑन करके इसको ब्लैंक लेफ्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कुछ भी पुट नहीं करना चाह रही, क्योंकि मैं ISO स्टैंडर्ड के हवाले से डेट को प्रिंट कराऊंगी। इसी के साथ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर तो कॉल करा लेते हैं, जो हमारा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ए को, और हम इसको रन करा के चेक करते हैं बाय प्रेसिंग F5। सो इसको डिबगिंग करके चेक करते हैं व्हाट इज़ द रिजल्ट। देखिए, आपके पैसिफिक डेट टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से जो डेट कैलकुलेट की गई है वो आपके सामने, बट याद रखिएगा स्टैंडर्ड के हिसाब से डेट या टाइम थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई भी सर्टेन डेट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, ठीक है, ISO के स्टैंडर्ड के हवाले से, तो मैंने यहाँ कोटेड ऑन किया। ऑन करने के बाद मैंने यहाँ पर लाइक 2000, अगर मुझे एयर के हिसाब से फाइंड आउट करनी है कि 2019 का एयर जो है वो कब बिगिन हुआ था, तो मैं सिंपल 31 दिसंबर 2018, ठीक है, 16 GMST स्टैंडर्ड के हवाले से 2019 का कन्वर्ट हुआ था, उसके हिसाब से इन्होंने डेट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पर निकाल दिए। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ कोई मंथ भी दे दूं, लाइक मैंने यहाँ पर 3 दे दिया, 3 फॉर मार्च, तो ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं के हवाले से इसको कंप्लीट आपके टाइम जोन के हवाले से देगा, तो ऑब्वियसली ये आपको फेब टू मार्च के बीच में लाए करके दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ओके, देन मैं इसको रन करा के चेक करती हूँ साथ डिबगिंग।
ठीक है, जिस तरह से मैंने कहा था कि ये फेब टू मार्च के बीच में लाया करेगा, 28 फरवरी को ख़त्म हो रहा, तो उसके बाद मार्च स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे कोई सर्टेन डेट पुट करनी होगी तो मैं इसी के आगे एक सर्टेन डेट फाइंड आउट करके भी ये देखिए 4 मार्च 2019 मंडे था उस दिन स्टैंडर्ड स्पेसिफिक टाइम के हवाले से। तो इस तरीके से आप क्लियरली जो भी डेट फाइंड आउट करना चाहें आप इजीली लिख के उसको एक स्टैंडर्ड के हिसाब से करंट डेट मंथ ईयर जो भी फाइंड आउट करना चाहते हैं आप कोटेड के अंदर उसको राइट डाउन करके करंट फॉर्मेट ऑफ डेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल के साथ, फिर इंशाल्लाह हम ट्रांसस्क्रिप्ट की तरफ आएंगे और फिर ट्रांसस्क्रिप्ट को कॉपी कॉपअप करेंगे। अब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।